हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कुकिंग क्लासेस। माय नेम इज रोहिणी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्लैक फॉरेस्ट केक। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है चॉकलेट केक स्पॉन्ज। ये चॉकलेट केक स्पॉन्ज मैंने मार्केट का रेडी प्रीमिक्स यूज करके बनाया है। इसे प्रॉपर मेजरमेंट के साथ कैसे बनाना है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये हाफ के जी का स्पॉन्ज है। इसे सोक करने के लिए अब हम प्रिपेयर करेंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप के लिए हमें लेना है एक कप पानी। यहाँ पे मैंने 200 ml के कप से एक कप पानी लिया है। एक कप पानी में हमें ऐड करना है 2 tablespoons शुगर। इसे हमें शुगर डिजोल्व होने तक गैस पे रख के गर्म करना है। शुगर सिरप ठंडा करके मैंने स्प्रे बॉटल में भर के लिया है। ये हाफ के जी का स्पॉन्ज है तो इसके हम 3 layer कट करेंगे। अब हम ये केक के ऊपर जो छोटा सा डोम आया है उसे हल्के हाथ से कट करेंगे। यहाँ पे मैं बिगिनर्स के लिए डिटेल में बता रही हूँ। हमें अंदाजे से मार्क करना है, ये ऊपर का 1 और ये नीचे का 2। ऐसे मैं ये पूरे केक में पूरा राउंड मार्क करके ले रही हूँ। मैं इस केक को पूरा कट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसे नाइफ से ऐसे मार्क कर रही हूँ। अब हमें हाथ में एक धागा लेना है और जो हमने नाइफ से स्लाइटली मार्क करके लिया है केक के ऊपर उसके अंदर ये हमें धागा डालना है। धागे को दोनों हाथ से क्रॉस पकड़ना है। राइट साइड का धागा लेफ्ट हैंड में पकड़ना है और लेफ्ट साइड का धागा राइट हैंड में पकड़ना है और ऐसे क्रॉस पकड़ के हमें धीरे से धागे को खींचना है। इसी तरह ये हमारा फर्स्ट लेयर एकदम मस्त फिनिशिंग के साथ कट हो गया है, आप देख सकते हो। सेम वही प्रोसीजर से हमें दूसरा लेयर भी कट करना है। जो हमने मार्क करके लिया है उसके अंदर हमें धागा डालना है। धागे को क्रॉस पकड़ के धीरे से हमें उसे खींचना है। इसी तरह केक का ये दूसरा लेयर भी एकदम मस्त फिनिशिंग के साथ कट हो गया है, आप देख सकते हो। अब हम केक को आइसिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने ये केक बोर्ड लिया है। जितना साइज का आपका केक है उससे आपको 2 से 3 inch बड़ा केक बोर्ड लेना है। ये मैंने व्हिप क्रीम फेट के रेडी करके लिया है। इसे प्रॉपर तरीके से कैसे फेटना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इस केक को हम डायरेक्ट केक बोर्ड पे आइसिंग करेंगे, इसलिए केक बोर्ड पे मैंने थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगाया है। अब जो केक का ऊपर का साइड है जहाँ डोम रहता है सबसे ऊपर का साइड, वो हमें लेना है और उसे हमें उल्टा करके ये केक बोर्ड के ऊपर रखना है। अब इसे हम शुगर सिरप से सोक करेंगे। पहले हमें साइड से सोक करना है। शुगर सिरप कंपलसरी नहीं है, आप नॉर्मल वाटर से भी ये जो केक स्पॉन्ज है उसे सोक कर सकते हो। चॉकलेट स्पॉन्ज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोक करना पड़ता है। चॉकलेट स्पॉन्ज में कोको पाउडर होती है तो ये चॉकलेट स्पॉन्ज जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी सोक करता है। इस केक में मैं आपको रिंग यूज करके फिनिशिंग करके दिखाऊंगी। ये जो केक स्पॉन्ज है वो मैंने 7 inch के टिन में बनाया है तो इसके लिए मैंने यहाँ 7 inch का रिंग लिया है। यह रिंग को मैंने रख दिया है। अब हम केक के ऊपर क्रीम से लेयरिंग करेंगे। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रश लिया है। जिस क्रीम से मुझे केक के अंदर लेयरिंग करना है, मतलब जो फिलिंग डालना है, उसके अंदर मैंने 2 tablespoons जितना स्ट्रॉबेरी क्रश ऐड कर दिया है। आप जो क्रश यूज कर रहे हो वो अगर बहुत पतला है तो क्रीम के अंदर आप उसे कम डालिए या फिर क्रीम लगाने के बाद उसके ऊपर वो क्रश का लेयर दीजिए। अब तैयार फिलिंग को केक के ऊपर डालना है। अब हाथ में पैलेट नाइफ लेकर जो क्रीम है उसे हल्के हाथ से इस केक के लेयर के ऊपर हमें स्प्रेड करना है। एक हाथ में पैलेट नाइफ पकड़ना है और दूसरे हाथ से टर्निंग टेबल को जस्ट हल्के हाथ से घुमाना है। अब ये केक का फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया है। उसके ऊपर हम चॉको चिप्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ ये चॉकलेट के थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे पास, वो यहाँ पे डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है। ये डालने के बाद भी इनके ऊपर से हल्के हाथ से पैलेट नाइफ को घुमाना है। अब इसके ऊपर हम दूसरा लेयर रखेंगे। जो मिडल वाला लेयर था उसे मिडल में ही रखना है। इसे भी हमें शुगर सिरप से सोक करना है।
यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ क्रीम लगाने का। व्हिप क्रीम और स्ट्रॉबेरी क्रश का जो मैंने फिलिंग रेडी किया था उसे मैंने एक पाइपिंग बैग में भर के लिया है। उसे जस्ट ऐसे पकड़ना है, पाइपिंग बैग को प्रेस करना है और हल्के हाथ से हमें ऐसे टर्निंग टेबल को सिर्फ घुमाना है। और पैलेट नाइफ की मदद से हमें ये क्रीम जो है जस्ट ऐसे स्प्रेड करना है, मतलब सिर्फ टर्निंग टेबल को घुमाना है। इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट डालना है या आप चॉको चिप्स भी डाल सकते हो। जो हमने पहले प्रोसेस की थी वही सेम हमें रिपीट करनी है। अब हम जो लास्ट लेयर था, सबसे नीचे वाला लेयर, वो मैंने सबसे ऊपर रखा है। अब मैं इसका बटर पेपर निकालती हूँ। इसको भी शुगर सिरप से सोक करना है। और अब हमने जो रिंग रखी थी उसे निकालना है धीरे से, एकदम हल्के हाथ से। वाओ, आप देख सकते हो कितना मस्त फिनिशिंग आया है। अब हमें इस केक के ऊपर सिर्फ क्रीम लगानी है और केक को क्रम कोट करना है। क्रम कोट मतलब क्रीम का पतला लेयर केक के ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद 5 से 10 मिनट फ्रिज में केक को सेट करके बाद में एक ऊपर से और क्रीम लगा के उसे फाइनल टच दिया जाता है, डिजाइन रेडी किया जाता है। इससे जो केक के क्रम्स है वो क्रीम में मिक्स नहीं होते हैं। केक के ऊपर जो हमने क्रीम डाली है उसे स्पैचुला की मदद से ऐसे साइड में करना है और साइड की जो क्रीम है उससे हमें केक को पूरा ऐसे कवर करना है। और ये सब काम हमें एकदम हल्के हाथ से करना है। पैलेट नाइफ को हमें सिर्फ ऐसे साइड में पकड़ना है और टर्निंग टेबल को घुमाना है। आप देख सकते हो केक को साइड से अच्छे से फिनिशिंग आ गया है। अब ये जो ऊपर एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हमें निकालना है। पैलेट नाइफ को थोड़ा सा ऐसे ओपन ऐसे पकड़ना है और हल्के हाथ से क्रीम को अंदर पुश करना है। अगर आपके पास ऐसे स्क्रैपर है या पुराना एटीएम है तो भी आप उसका यूज करके साइड से अच्छे से फिनिशिंग केक को दे सकते हो। केक को फिनिशिंग देते समय पैलेट नाइफ को बार बार क्लीन करना जरूरी है। अब हम केक को चॉकलेट गार्निशिंग से डेकोरेट करेंगे। उसके लिए हम डबल बॉयलर टेक्निक से चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ एक बर्तन में मैंने 2 ग्लास पानी डाला है। पानी को उबाल आना स्टार्ट हो गया है। उसके ऊपर मैंने एक बाउल रखा है कांच का, आप स्टील का भी बाउल यूज कर सकते हो। और मैंने यहाँ लिया है 1/4 कप डार्क चॉकलेट और 1/4 कप मिल्क चॉकलेट। इसे ऐसे ही कंटिन्यू मिक्स करना है। बर्तन में जो मैंने पानी लिया था उसको अच्छे से उबाल आने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है। और गैस को बंद करने के बाद ये चॉकलेट को हमें कंटिन्यू ऐसे मिक्स करते रहना है। अब ये चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा और लंबा ऐसे बटर पेपर कट करके लिया है। इसको कैसे मेजर करना है मैं आपको दिखाती हूँ। जिस टिन में आपने केक को बेक किया है उसी टिन को हमें ऐसे राउंड पकड़ के टिन से हमें 2 से 3 इंच बड़ा ये पेपर कट करना है लेंथ में। और टिन के हाइट से हमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। अभी जो हमने चॉकलेट मेल्ट किया था उसे मैंने एक पाइपिंग बैग में भरा है और उसको आगे से छोटा सा कट लगाया है। बटर पेपर को नीचे स्ट्रेट रखना है और उसके ऊपर हमें ऐसे ये डिजाइन डालते जाना है। पूरे बटर पेपर के ऊपर मैंने ये क्रॉस लाइंस लगाए हैं। फिर से हमें इसके ऊपर इस तरह ये क्रॉस लाइन लगाते हुए जाना है पूरे बटर पेपर पे। अब इसे हमें पूरा सेट नहीं होने देना है, हमें इसे सेमी सेट करना है। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे ही 8 से 10 मिनट सेमी सेट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये चॉकलेट डिजाइन अब सेमी सेट हो गया है। आपके यहाँ अगर बहुत गर्मी है तो आप इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्रिज में रख के सेमी सेट कर सकते हो। अब इस चॉकलेट डिजाइन को हमें केक के ऊपर लगाना है। बटर पेपर को हल्के हाथ से हाथ में पकड़ना है और जो चॉकलेट की साइड है वो केक के तरफ हमें क्रीम के ऊपर ऐसे चिपकानी है और हल्के हाथ से, एकदम हल्के हाथ से इसे ऐसे प्रेस करना है और टर्निंग टेबल को गोल गोल घुमाते हुए ये डिजाइन हमें ऐसे केक के ऊपर चिपकानी है। उसके बाद हमें हल्के हाथ से जो बटर पेपर है उसे ऐसे निकालना है।
ये सब काम हमें एकदम हल्के हाथ से करना है। आप देख सकते हो कितने फिनिशिंग के साथ ये बटर पेपर बाहर निकल रहा है। यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम भर के रेडी करके लिया है। उसमें मैंने 1 M नोजल डाला है, जिसे स्टार नोजल भी बोला जाता है। इससे हम केक के ऊपर ऐसे रोजेट बना के केक को डेकोरेट करेंगे। 1 M और N1 ये दोनों नोजल लगभग सेम ही है, उनमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। केक के पूरे राउंड में ये रोजेट्स मैंने बनाए हैं। अब इनके ऊपर हम मार्केट में जो रेडीमेड चेरीज मिलती है वो रख के इन्हें और डेकोरेट करेंगे। अब चेरीज लगाने के बाद बीच में मैं इसे ये चॉकलेट कर्ल्स रख रही हूँ। ये चॉकलेट गार्निशिंग कैसे बनाने हैं उनका एक वीडियो मैं आपके लिए जल्दी ही लेके आऊंगी। अब इस केक को हम नीचे से थोड़ा सा बॉर्डर बनाएंगे। उसके लिए मैंने वही सेम नोजल लिया है, 1 M नोजल। उसको सिर्फ ऐसे पकड़ना है, प्रेस करना है, पीछे आना है, फिर प्रेस करना है। इस तरह ये हमें बॉर्डर कंप्लीट करनी है। इस तरह से ये हमारा केक कंप्लीट हो गया है। इस केक में 1/2 किलो स्पॉन्ज के लिए 1/2 किलो क्रीम यूज करने के बाद ये हमारा 1 kg का केक रेडी हो गया है। मैं यहाँ पे आपको एक पीस कट करके दिखा रही हूँ। वाओ, आप इसके लेयर्स का फिनिशिंग देख सकते हो, कितना यम्मी केक बना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आगे भी मैं आपके लिए यम्मी और डिलीशियस केक लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।